अपने अपने पाकड़े उठाओ और जगह खाली करो, और मुझे फिजूल की बहस नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। अरे उर्मी बहन, ऐसा थोड़ी होता है, अब तो हमारे पेट पे लात मार रही हो। उर्मी बहन, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि हम यहाँ फिजूल में बैठते हैं। महीने की पहली तारीख को आपको 500 रुपया देते हैं ना। 500 रुपए? अरे 500 रुपए होते ही क्या है। उर्मी बहन, आप कहें तो 150 और बढ़ा दे। बहस मत करो। अरे कल को मेरी बहू आएगी तो उसकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होगी? यही तो खड़ी होगी, और वैसे भी बहुत बड़े घर की छोकरी है, दो नहीं तो कम से कम एक गाड़ी तो आवे जावे। अब उर्मी बहन, ये तो गलत है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारे धंधे की जगह मत खाली करवाइए। हाथ मैं भी जोड़ती हूँ आपसे, दफा हो यहाँ से, और आज के आज ये जगह खाली हो जानी चाहिए। और बोल दिकरा। मम्मी, मैंने आपको बस यही बताने के लिए फोन किया है कि आपकी शॉपिंग के लिए मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, कैसे कैसे? आप वो सब छोड़िए, आप बस अपनी लिस्ट तैयार रखिए। अरे चीवती रे दिकरा, चीवती रे। चल अब मैं फोन रखती हूँ, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अरे फाई। हाँ? राजकोट के सलून में तो बिल्कुल मजा नहीं है। मुझे तो वैसे भी मुंबई के सलून की आदत है, हेयर कट के साथ मसाज एकदम फ्री, बेस्ट एंड बेस्ट। वैसे फाई, ये कैसे छाटे? तू चिंता मत कर, अगली बार मैं तुझे राजकोट के बेस्ट ऑफ बेस्ट सलून में ले जाऊंगी, पर बार बार ये तू मुंबई जाने की बात मत कर, समझियो? ठीक है भाई, अभी मैं तैयार होने जाता हूँ। हाय हाय, कहीं ये धवल किंजर को लेकर मुंबई चला गया तो फिर से मुझे ये गजरे वाले, पेपर वाले, पान वाले भाड़ूत्री ढूंढने पड़ेंगे। वैसे ये तो बताओ, हमारे जीजा जी के नाम का पहला अक्षर क्या है? मैं बताती हूँ, लिखो यू। यू? लेकिन हमें तो कुछ और ही बताया गया था। मेरा मतलब है यू भी कोई पूछना हुआ क्या, नाम क्या है? आप लोगों को तो सब कुछ बताया था ना, और आप तब भी पूछ रही हैं नाम क्या है। चलिए लिखिए, डी। डी फॉर धवल। लो, तुम्हारी मेहंदी तो लग गई, अब हमें इजाजत दे दो, हमें भी तो बारात के लिए तैयार होना है ना। चलो। अच्छी लग रही है। डी। गोपी, ये क्या है? ये नींबू का पानी है, इससे रंग एकदम चटक चढ़ेगा। हाँ पता है पता है, लेकिन रंग चटक होके भी क्या फायदा, दो तीन दिन में तो उतर ही जाएगा, जब किंजल बिन पानी भरने जाएंगी। किंजल बिन, क्या आप भूल गई? कुछ ही दिनों पहले तो मेरे घर गई थी ना नहाने के लिए, तब मम्मी ने तो बताया था कि हमारे घर में सिर्फ दो बार पानी आता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, तो पानी तो भरना ही पड़ेगा। वाकई मुकद्दर भी किसके हाथ में क्या लिखकर भेजता है पता ही नहीं होता। अब देखिए ना, किसी ने सोचा था कि आप शादी करके मेरे घर जाएंगी। राशिबेन, छोड़िए ना ये सारी बातें। गोपी, क्यों छोड़ू? देख, मैं इनकी मानसिक तैयारी कर रही हूँ, अब वहां जाके उन्हें झटका नहीं लगना चाहिए ना, इसीलिए। अब किंजलबेन देखिए, मेरा मतलब है किंजल भाभी, ये बात तो पक्की है कि आपको हमारे यहाँ कलसी लेकर पानी भरने तो जाना पड़ेगा। क्या है, हमारे यहाँ नल से पानी तो आता है, लेकिन कभी कभी पानी चला जाता है, तब चाली के पीछे एक कुआं है, वहां जाकर कलसी से पानी भरना पड़ता है, और हाँ जरा सी भी देर हो गई ना तो कुएं के सामने इतनी बड़ी जो लाइन लगी होती है वहां रुक कर आधा पौना घंटा तो निकल ही जाता है जब तक हमारा नंबर आता है।
राशि बस सब जाने दो ना। गोपी मुझे क्यों टोक रही है, मैं क्यों चुप रहूं? मैं इन्हें ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि इन्हें सासरे जाकर नीचा ना देखना पड़े। राशि बहन वो क्या है? जितना ज्ञान तुम मेरी बेटी को दे रही हो ना, उसका चौथाई ज्ञान भी अगर तुम अपने साथ लेकर आती ना तो हमारे लिए अच्छा होता। लेकिन तुम कर भी क्या सकती थी? जिन हालात में तुम जिगर की शादी में पिछले दरवाजे से वधु के पाटले में, जहां कोई और वधु बन के बैठने वाली थी, तुम बैठ गई, तुम्हारी शादी हो गई। कर सकते हैं, तुमने जो किया सो किया, लेकिन उसे हम आज तक झेल रहे हैं। और जहां तक मेरी बेटी की समझदारी की बात है ना, तो मेरी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। समझी गई राशि? मुझे बता नहीं सकती थी कि काकी जी यहाँ आ रही है? राशि बेन, मैंने बार बार आपको कहने की कोशिश की, राशि बेन, राशि बेन। गोपी, तो राशि बेन करने से अच्छा माजी माजी नहीं कर सकती थी क्या? तफुर मां, मां मेरी शादी को रुकवा दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस शादी को रुकवा दीजिए। अब कुछ भी कहने सुनने का वक्त नहीं बचा है मेरे पास किंजल, और जो भी बचा कुचा वक्त है उसे मैं किसी की गलती सुधारने में जाया नहीं करना चाहती हूं। मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। गोपी बाऊ आइया वो। जी आए माजी। हे भगवान, आशूष है, अरे ये जमीन पर फूल गिरा दिए, जल्दी उठाओ इसे। और हाँ सोनी, ये जो हार है उसे वहां लगा दो, जाओ जल्दी, और तुम भी निकलो, जाओ गो, जाओ। गोपी वो, तुम किंजल को अच्छे से तैयार कर दो, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, किंजल कुछ उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी, मैं नहीं चाहती हूं कि वो कोई गलत कदम उठाए, इसलिए हरदम तुम किंजल के साथ रहोगी। अने हाँ, तुम भी अच्छी साड़ी और गहने पहन लेना, बहुत अच्छे से तैयार होना ताकि लोग दूर से ही पहचान जाए कि ये है कोकिला मोदी की वह। समझी गया गोपी वह? जी माँ जी। Thank you.